मुलायम ठाकुर ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान रविवार को रहन में जनसभा को संबोधित किया। उनके यहां पहुंचने पर प्रदेश भाजपा महामंत्री कृपाल परमार द्वारा बड़ी संख्या में फतेहपुर भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तदुपरांत मुख्यमंत्री ने रहन के राजा राम ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। लोगों के अभिवादन के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश की चौमुखी विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बागडोर संभालने के उपरांत अब तक उन्होंने केंद्र से तकरीबन 9500 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत करवा लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। देश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्वार्थी हितों को साधने के लिए विपक्षी नेताओं द्वारा बनाए जा रहे गठबंधन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को आज मजबूत सरकार की जरूरत है, न कि एक मजबूर सरकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत शख्सियत है और उनका नेतृत्व देश को आगे ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में उनके सहयोग की अपील की तथा भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाकर केंद्र में पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रहन क्षेत्र के लोगों को पेश आ रही पेयजल समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए आईपीएस विभाग द्वारा 51 करोड़ DPR तैयार की गई है, जिसकी स्वीकृति के लिए सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी। पोंग बांध विस्थापितों की समस्याओं पर उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों के मुख्य सचिव स्तर पर 2 बार वार्ता हो चुकी है तथा मुख्यमंत्री स्तर पर भी बात हो चुकी है। उन्होंने माना कि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस बारे में उचित निर्णय लेकर पोंग बांध विस्थापितों और समस्याओं को शीघ्र सुलझा लेगी। अभी भाई कृपाल परमार जी कह रहे थे, तुमने अपनी बात बड़े संक्षेप में कही, कार्यक्रम तो निर्धारित कुछ और था, अभी कुछ शिलान्यास थे, कुछ उद्घाटन के कार्यक्रम थे, और वो शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम होने के बाद हमने यहां आना था। 4 कार्यक्रम और जिसमें दो पेयजल योजनाएं और उसके साथ साथ में हमारी एक कमांड ऑफिस बिल्डिंग का शिलान्यास लगभग 12 करोड़ की लागत से जो बनेंगी, और उसके साथ साथ टूरिस्ट बिल्डिंग का भी शिलान्यास के लिए 3 करोड़ 30 लाख की लागत से, और पेयजल योजना दो जो बताई मैंने, एक जो है वो लगभग 2 करोड़ की लागत से, 1 करोड़ 90 की लागत से, और एक योजना जो है वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत। ये सब कार्यक्रम पहले होने थे, उसके बाद हमने आपको ये किया, लेकिन उसके बीच में ये थोड़ा सा परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि मौसम खराब हो गया। इसके बाद बाकी हम लोग कार्यक्रम भी कर लेंगे। आप लोगों को यहां पर विलंब ना हो, आपको बारिश के कारण असुविधा न हो, सर्दी के मौसम में हमने इसलिए सुनिश्चित किया कि पहले आप सबसे मिलकर के अपनी बात कर लेंगे, उसके बाद हमसे रखने का अगले का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग और समर्थन से, शुभकामनाओं से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार ने 1 साल का कार्यकाल किया। और ये मैं कह सकता हूं, 1 साल का कार्यकाल काम करते करते भी, और हमारे ये सौभाग्य भी 27 दिसंबर 2017 को जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमको शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर के हम हिमाचल वासियों को, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए शिमला पहुंचे। इंदौरा से गगन ललगोत्रा।